बजट एंड बजटरी कंट्रोल बोल के एक चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर। प्रैक्टिकली देखा जाए तो तीन टाइप का बजटिंग का बनता है, बट आपके एग्जाम वाइज बात करें तो आपके दो ही टाइप का सम्स आते हैं। पहले वो दो टाइप का लॉजिक सीखेंगे, उसका ईयर पेपर भी कर लेंगे, उसके बाद अगर अपने को लगता है कि तीसरा बजट करना चाहिए तो करेंगे, नहीं तो ज़रूरत नहीं है तो छोड़ दें। लेकिन एग्जाम में जो दो आता है पहले उन दोनों का बात करते हैं। बजट होता क्या है पहले ये बोलो, ये वर्ड सुनते हो तो क्या सोचते हो? सर एक एस्टिमेट एक्सपेंसेस का किस हिसाब से लगेगा? एकदम इनकम और एक्सपेंडिचर का एस्टिमेशन, अंदाजा लगा कि अगले चार महीने में क्या हो सकता है, अगले आठ महीने में क्या हो सकता है, अगले एक साल में क्या हो सकता है, फोरकास्ट करना खर्चों को और कमाई, फ्यूचर का कमाई और खर्चा को फोरकास्ट करना, यही है बजट बनाना। तो एग्जाम में जो सर बजट आता है, टोटल बजट तीन टाइप के बनते हैं, ऐसे तो बहुत टाइप के बनते हैं बट तीन टाइप का ग्रेजुएशन में रहते हैं। एक है कैश बजट, एक है फ्लेक्सिबल बजट और एक है फंक्शनल बजट। तो कैश, फ्लेक्सिबल और फंक्शनल तीन टाइप का बजट बनता है। आज हम लोग पहले कैश और फ्लेक्सिबल बजट डन करेंगे और यही दो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाए। हम फंक्शनल बजट आज तक एग्जाम में नहीं देखा, सिंपल आज तक नहीं देखा, मतलब नहीं देखा, 2001-2 में आया था, मतलब आज से 20 साल पहले, उसके बाद नहीं आया था। लेकिन ये दोनों में से एक हर साल छपेगा आपके एग्जाम में अराउंड 15 नंबर का। सर क्या है कैश बजट? एकदम बनिया का खाता क्या कैसे मैनेज होता है, इस महीना कहाँ कहाँ से कितना रुपया आने वाला है और इस महीना कहाँ कितना रुपया लगने वाला है, अल्टीमेटली क्लोजिंग बैलेंस कितना बचेगा, वही क्लोजिंग अगले महीने का ओपनिंग हो जाएगा, फिर अगला महीना कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ कहाँ पैसा जा रहा है, आ रहा है वो ऐड किए, जा रहा है वो माइनस किए, फिर अल्टीमेटली क्लोजिंग बैलेंस बचा, फिर वो अगले महीने का ओपनिंग, यही बनाना कैश बजट। एग्जैक्टली इसी को कैश बजट बोलते हैं। पॉइंट क्लियर है? क्या बनाना है अपने को? यस सर। तो देखो यहाँ पे एक एग्जांपल से समझेंगे, एग्जांपल कैसे पूरा समझ बनाएंगे जिससे लॉजिक समझ में आए। देखो यहाँ बोला मेकआउट है कैश बजट फॉर द पीरियड अप्रैल टू जून 2018, अप्रैल से लेके जून तक का कैश बजट बनाना। अपने को डेटा लेकिन जनवरी फरवरी मार्च का दिया, अप्रैल में जून, छह महीने का डेटा दिया। सर डेटा हमको आगे पीछे का देना पड़ेगा बोलो? क्यों सर? अरे बेटा जी ऐसा हो सकता है ना जनवरी का पैसा मार्च में रिकवर हो रहा है, तुम एक पार्टी को माल बेचे जनवरी महीने, वो बोला आधा पैसा फरवरी में देगा बाकी आधा मार्च में, या ये भी बोल सकता था आधा जनवरी में, मतलब जिस महीना बेच रहे उसी महीना बाकी बचा हुआ आधा का 25% या बाकी बचा हुआ आधा का 50% फरवरी में और रिमेनिंग मार्च में। तो आपको छह महीने का सेल डेटा दिया, ये रहा एक्चुअल बजटेड सेल्स और आपको बजटेड परचेज भी दिया छह महीने। और क्या दिया है सर? सर इसके अलावा हमको वेजेस एंड एक्सपेंसेस का भी छह महीने का डेटा, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। सर छह महीने का आपको सेल, छह महीने का आपको परचेज और छह महीने का आपको वेजेस एंड कॉस्टिंग में अदर एक्सपेंसेस को क्या बोलते हैं? ओवरहेड। Yes, तो आपको छह महीने का ये तीन आइटम दिए, सेल परचेज वेजेस ओवरहेड, चार आइटम, प्लस आपको कुछ एडिशनल बातें बोला है। आप मई महीना में ना एक इनकम टैक्स का भी पेमेंट कियो, मतलब ये पैसा भी निकला है बिजनेस से, और अप्रैल महीने में एक मशीन भी या प्लांट भी खरीदे हो 15,000 का, ये पैसा भी निकला। 400 रुपया का रेंट पेएबल ईच मंथ है, नॉट इंक्लूडेड इन एक्सपेंस,
एक रेंट है 400 रुपये ईच मंथ, वो आपका एक्सपेंस में इंक्लूडेड नहीं है। 10% ऑफ परचेज एंड सेल आर इन कैश बेसिस मोर, क्या बोल दिया, जो आप परचेज कर रहे हो और जो आप सेल कर रहे हो दोनों का 10% कैश बेसिस, तो मतलब उस महीना का उसके महीना मिल जाता है। मेरा बात गया सर? 10% उसी महीना मिल जाता है। बैलेंस का क्या बोला, क्रेडिट परचेज आर पेड आफ्टर 1 मंथ एंड क्रेडिट सेल आर कलेक्टेड आफ्टर 2 मंथ। तो बेटा जी अगर हम एक एग्जाम्पल ही पिक कर लें, जनवरी महीना का जो मेरा 90,000 का सेल है उसका 9,000 उसी महीना मिल गया होगा। यस सर। और रिमेनिंग बोला आफ्टर 2 मंथ मिलेगा, यानी जनवरी का बाकी बचा हुआ 81,000 आपको मार्च में मिला होगा। वैसे सब परचेजेस का बोला 10% उसी महीना, मतलब 50,000 का 10% उसी महीना पे कर दिया, मतलब 5,000। यस सर। बाकी बचा हुआ पैसा नेक्स्ट मंथ होगा, यानी फरवरी में पेमेंट कर रहा, क्योंकि परचेज का बोला आफ्टर 1 मंथ जबकि सेल का बोला आफ्टर 2 मंथ। बस ठीक है सर। तो चलिए सर बजट बनाते हैं। अच्छा, वेजेस और एक्सपेंस के लिए क्या बोला, टाइम लैग इन वेजेस एंड एक्सपेंसेस हाफ अ मंथ, माने सर उस महीना आधा पेमेंट कर देते हैं बैलेंस आधा अगला महीना। हाफ महीने का उधारी चलता सर, तब तो हर महीने दो तरह का वेजेस एंड एक्सपेंसेस। बहुत बढ़िया, हर महीना दो तरीके का वेजेस पेमेंट हो रहा है। जनवरी का जो 25,000 वेजेस है उसका आधा उसी महीना दे दिए 12,500, रिमेनिंग 12,500 कब दे रहे हो, फरवरी में। यस सर। वैसे फरवरी का जो 20 है उसका आधा मतलब 10,000 फरवरी में ही दे दे रहे हो, बाकी 10,000 यानी फरवरी में दो पेमेंट हो रहा है, जनवरी का आधा और फरवरी के खुद का आधा। यस सर। हाँ, आपका बात करेक्ट है किरण की सर, यानी एक ही मंथ में दो टाइप का पेमेंट हो जा रहा है, वेजेस का भी और एक्सपेंस का भी। Yes. चलो ठीक है। और आपको बोला है 1 अप्रैल को ओपनिंग कैश आपके पास कितना है, 15,000 सर, वो तो देना पड़ेगा, वो तो देना पड़ेगा, वरना हम पहला महीना का ओपनिंग कैश कैसे लेंगे। बाकी महीना का ओपनिंग कैश तो बेटा पिछले महीने का जो क्लोजिंग है वही अगले महीने का ओपनिंग कैश हो जाएगा, लेकिन पहला महीना का ओपनिंग कैश तो क्वेश्चन को बताना पड़ेगा, नहीं बताता तो 0 मान लेते सर, ओपनिंग बैलेंस नहीं था अप्रैल से। आपको कौन से 3 महीने का बजट बनाने बोला है, अप्रैल मई जून, ये देखो सॉल्यूशन में पहले बनाया अप्रैल मई जून कैश बजट फॉर द पीरियड अप्रैल टू जून, पहले ओपनिंग कैश दे दिया 1 अप्रैल को कितना 15,000, तो सर ओपनिंग बैलेंस लिख दिया 15,000। अब जहां जहां से पैसा आएगा सर उसको लिखना है पहले, है ना। तो देखो आपको क्या बोला, अप्रैल में आपको कौन सा 2 पैसा रियलाइज होगा बेटा सर, एक तो सेल्स का, एक तो खुद अप्रैल का 10,000। यस सर। और मार्च का भी पिछला वाला। हाँ बेटा फरवरी का 2 महीना का उधार लिया, 2 साल सेल में 2 महीने का उधार लिया, तो यानी आपको जनवरी का जो उधार है वो फरवरी में पेमेंट मिला, मार्च में सॉरी, फरवरी का जो है वो अप्रैल में पेमेंट मिलेगा, अब मार्च वाला मई में मिलेगा, अप्रैल वाला जून में मिलेगा, yes, मई वाला जुलाई में मिलेगा और जून वाला अगस्त में मिलेगा। तो यानी अप्रैल में आपको 2 पैसा मिल रहा है, एक तो खुद वाले सेल का 10%, क्योंकि बोला हर महीना जो सेल है उसका 10% कैश वही मिल जाता है, क्योंकि वो कैश सेल्स है, बाकी 90% उधारी का सेल है। यानी आपको अप्रैल में क्या मिल रहा है, एक तो अप्रैल का खुद का 10,000 और एक फरवरी वाला उधारी वाला 81,000 वो मिल रहा है आपको, अप्रैल में आपको 81 और 10 मिल रहा है, मई में खुद का 9,000 मिल रहा है, और सर मार्च वाला मार्च का कितना होगा, 90% 80,000 का 10% 8,000 उसी साल मिल गया होगा महीना, बाकी बचा हुआ 72,000 आपको मई में मिला, ठीक है। यस। और जून में आपको जून का खुद का 8,500 तो मिला ही है, प्लस वो अप्रैल वाला जो रिमेनिंग उधार बच गया 1,00,000 का 10,000 अगर अप्रैल में मिल गया, बाकी बचा हुआ 90,000 आपको जून में मिला,
तो आपको ये तीन ही महीने का तो बनाना था बजट, तो 81.10, 72.9 और 90.5 मिल गए। ये देखो 10 खुद का मिला, 81 मिला पिछला दो महीना पुराना वाला, यहाँ पे 9 मिला खुद का, 72 मिला मार्च वाला, और जून में 8.5 मिला खुद का और 90 मिला अप्रैल वाला। तो अब यहाँ पे देखो मेरे पास ओपनिंग कैश कितना है भाई अप्रैल में 15,000, और पैसा आया कितना कितना 10,000 और 81,000। तो 10,000 और 81 आया मतलब 91,000 ये हो गया, और 15,000 पहले से कैश है मेरे पास। कैश कितना है अभी 1,06,000। अब सर आप पेमेंट में क्या कर रहे हैं? सर उस महीना का 10% पे करते हैं प्लस पिछला महीना का उधार पेमेंट करते हैं, है ना? यस सर। तो अप्रैल में आप अप्रैल का 6,000 तो पेमेंट किए प्लस आप मार्च का 36 पेमेंट किए, क्योंकि बेटा मार्च में 40,000 का सेल था परचेज था, तो मार्च में तो 4,000 तो उसका पे कर ही दिए होंगे, 10% तो उससे महीना पे कर देते कैश में, बाकी बचा हुआ एक महीना का उधारेंगे। तो मार्च में 40,000 का 4,000 उसी महीना पेमेंट कर दिए, बचा 36,000 अप्रैल में पे किए, फिर अप्रैल में खुद का 6,000 तो पेमेंट किए, बचा 56 मई में पेमेंट किए, और सर मई का खुद का भी 5,500 पेमेंट किए, और जून में क्या किए सर 40,000 का 4,000 तो पेमेंट किए प्लस मई का कितना बचा हुआ है 55,000 में 5.5 गया 49,500, है ना? यस सर। तो 36,000, 6,000, 56,000, 5.5 और 49,500 और 4,000, ये लो 36 और 6, 5.5 और 54, 4 और 49,500, ठीक है? यस सर। यस सर। सर वेजेस का क्या बोला है? आधा महीना उसी का उसी मंथ दे देते हैं और आधा महीना करंट मंथ कर देते हैं, यानी आधा महीना पिछले महीना वाला दे रहे हैं और आधा पैसा पिछले मंथ वाला। ये रहा आपका मार्च, ये रहा आपका वेजेस। चलो पहले यही सॉल्व करते हैं। सर 25,000 वेजेस है तो 12,500 तो वहीं दे दिए, बाकी 12,500 यहाँ दिए, फिर इसका खुद का 10 दे दिए, यही 20,000 का 10, ये रिमेनिंग 10 आप मार्च में दिए होंगे प्लस मार्च का भी 14,000 दे दिए होंगे, वैसे ही अप्रैल में आप खुद का 3,000 तो दिए प्लस मार्च वाला 14,000 भी दिए, मई में खुद का सर अप्रैल में 3,000 कैसे, सॉरी सॉरी 15,000 आधा दे रहे ना 15,000, वैसे ही सर यहाँ 25 देना है मई में, तो 12,500 तो मई का दिए ही होंगे प्लस अप्रैल वाला रिमेनिंग 15,000 दिए, और जून में भी 11,000 तो दिए ही हैं प्लस वो 12,500 भी दिए। ये देखो आपका अप्रैल में कितना पेमेंट हो रहा है 14,000 और 15,000, 29,000, मई में कितना पेमेंट हो रहा है 15,000 और 12,500, 27,500, और जून में कितना पेमेंट हो रहा है 12,500 और 11,000, 12,500 और 10 और 23,000, 23,000। ये देखो 29,000, 27,500 और 23,500 पेमेंट, सेम चीज एक्सपेंसेस के साथ हो रहा होगा। यस सर। 7,000 है ना आपके पास अप्रैल मई जून से, मतलब है बाकी मंथ का कैलकुलेट करने का दरकार नहीं है। अप्रैल में क्या पेमेंट हो रहा है, एक तो इस 10 का आधा और प्लस मार्च वाला का भी आधा 4,000, है ना? यस सर। मई में ये 8 का आधा 4,000 और पिछला आधा 5,000, और जून में खुद का आधा 3,500 और पिछला आधा 4,000, यानी सर अप्रैल में आपका पेमेंट हुआ है 9,000, मई में भी आपका पेमेंट हुआ है 9,000 और जून में आपका पेमेंट हुआ है 7,500। तो ये देखो 9,000 और 7,500। अब सर अप्रैल में कोई स्पेशल पेमेंट हुआ है क्या यहाँ पे जो बताया उनमें से? हाँ सर, अप्रैल में आप एक मशीन खरीदे उसका भी 15,000 दी, और मई में इनकम टैक्स का 5,000 का पेमेंट की, ठीक है पहले तो ये दोनों लिख लो। अप्रैल में 15,000 रुपया का पेमेंट हुआ इनकम टैक्स का, और मई में प्लांट का पेमेंट हुआ 5,000, और सर आप हर महीना का 400 का रेंट भी दिए वो भी माइनस कर दो। तो अब देखो बेटा मेरे पास अप्रैल में, अब एंडिंग कर रहे हैं सबको,
मेरे पास अप्रैल में टोटल 1,06,000 कैश है, जिसमें से गया कितना 6,000, 36,000, 29,000, 9,000, 15,000 और 400, मतलब 95,400 पेमेंट हुआ। तो बेटा जी 1,06,000 कैश है, उसमें से 95,400 पेमेंट हो गया, तो बचा कितना 10,600 है ना। वो 10,600 तुम्हारा मई का ओपनिंग कैश बन गया। अब मई में जो सेल से पैसा आया, मई में जो सेल से पैसा आया वो ऐड कर लो, मई में 9,072,000 और पहले से 10,600 कैश है, मतलब मई में तुम्हारे पास 91,600 होना चाहिए। लेकिन जो खर्चा लगा सर माइनस कीजिए, सर 1,01,000 खर्चा लग गया, सर नेगेटिव कैश हो गया। सर कैश कैसे नेगेटिव हो सकता है ही नहीं, तो दिए कैसे बेटा जी। लोन नाम का एक चीज़ है और बिजनेस है तो आप लोन ले सकते हो बैंक वगैरह से, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले सकते हो बैंक से। यस सर। तो आप बोली होगी सर जो भी हुआ नेगेटिव कैश है 9,800, कोई बात नहीं, नेगेटिव है तो नेगेटिव होने दो। तो सर अगले महीना ओपनिंग कैश फिर नेगेटिव ही चालू होगा। अरे पिछला महीना अगर नेगेटिव कैश रहा है तो अगला महीना भी वो नेगेटिव कैश चालू होगा, 9,800 तो बैंक को ही लौटाना है। फिर आपके पास 8,500 और 90,000 आया, मतलब आपके पास 88,700 कैश बचेगा। क्योंकि सेल का पैसा आते ही पहला काम क्या करोगे, वो 9,800 चुका दोगे बैंक को। तो जो सेल में सीधे माइनस हुआ, अभी भी आपके पास 88,700 कैश बचे और आपका इस महीने का सारा खर्चा जोड़ो आ रहा है 84,900, आपके पास 3,800 कैश बचा। अल्टीमेटली आपसे यही पूछा है कि जून एंड में क्लोजिंग कैश बैलेंस कितना होगा, या हर महीने के एंड में कितना क्लोजिंग कैश बैलेंस होगा वो निकाल। बेटा जी ये प्योर बनिया का खाता चला है ना। मेरे पास कितना कैश है, कितना कैश आया वो ऐड कर लिए, माइनस कितना कैश गया, क्लोजिंग कैश बच गया, वो क्लोजिंग अगले महीने का ओपनिंग एंड दिस गोज ऑन। जितना महीने का बजट बनाने बोलेगा उतने महीने का बना देंगे सर। सर लैंग्वेज ट्विस्टर जो देगा ना बेटा वो सेल और परचेज में देगा, और स्पेशली सेल। तुम्हारे साथ जो खेल इनको खेलना है वो सिर्फ सेल में खेलना। सर दो तीन लैंग्वेज ट्विस्टर बताइए। एक तो ये जैसे बड़ा आसान था कि उस महीना 10% कैश में बेचे और बाकी 90% दो महीना बाद, बट कई बार क्वेश्चन इतना सीधा नहीं जाएगा, बोलेगा उस महीना 50% कैश में बेचे, अब रिमेनिंग जो बचा उसका 25% नेक्स्ट मंथ में और बैलेंस बचा हुआ नेक्स्ट मंथ। ये थोड़ा गौर कर लेना, यानी सर जैसे एग्जांपल यही लेते एक बार, ये 70,000 का जो मार्च में सेल है ना, हम बोल रहे हैं टोटल सेल का 50% उसी मंथ में रियलाइज हो जाता है, सेम मंथ। हाँ, यानी सर मार्च में 35,000 मिल जाता है। यस सर। सर बैलेंस जो बचा उसका 50% नेक्स्ट मंथ में मिलता है और बचा हुआ और बैलेंस उसके नेक्स्ट मंथ, मतलब 35,000 का बचा हुआ बैलेंस है 17,000 आपका अप्रैल में और 17,000 में, ठीक है ना सर। 17,500 का आधा ठीक है। अब फंसोगे कहा, सर अगर हमको जून का बजट जुलाई का बजट बनाने बोला है तो जुलाई में तो जुलाई का पैसा आ रहा है, प्लस थोड़ा जून का भी आ रहा है, प्लस थोड़ा मई का भी आ रहा है ना। यस सर। अगर मेरे को जुलाई का बजट बनाने बोले तो जुलाई का 50% तो खुद भी मिलता है, बट सर मई का 25% जुलाई में मिलने वाला है और जून का भी 25% जुलाई में मिलने वाला है, उधार वाला, उधारी वाला। yes, हाँ, तो ये याद रखना, ये ट्रैकर ठीक से बनाना पड़ता है। बाद बाकी चैप्टर में कुछ नहीं, देखो वही तो बोला सेल्स ऑल क्रेडिट बता दिया, मतलब कैश सेल कुछ नहीं, परचेज ऑल क्रेडिट बता दिया, मतलब परचेज भी उधारी का कुछ नहीं है, बट वेजेज मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ऑफिस एक्सपेंस और सेलिंग एक्सपेंस इनके बारे में नीचे कुछ बोला होगा। ये देखो क्या क्या बोला, पहला क्या बोला सर 20,000 का एक प्लांट खरीदे आप जुलाई में, पेएबल 10% ऑन डिलीवरी एंड बैलेंस आफ्टर 3 मंथ। तो ये मशीन का पेमेंट कब कब हुआ है, चलो आप लोग गेस करो, इसको आप लोग डिकोड करो। एक मशीन खरीदे हैं जुलाई महीना में 20,000 रुपया का,
यस सर। बोल रहा है 10% डिलीवरी पे पेमेंट करते हैं और बाकी बैलेंस आफ्टर 3 मंथ। सर डिलीवरी मतलब जिस दिन खरीदे जिस दिन क्या था उसी दिन डिलीवरी हो गया। हाँ तो जुलाई में 10% हो गया, मतलब जुलाई में 2000 पेमेंट हो गया। हाँ और बाकी उसके 3 महीने बाद 18000 अगस्त सितंबर अक्टूबर अक्टूबर में। यस सर ये बात पकड़ने का था। एडवांस टैक्स देते हो आप 10,000 मार्च में भी और जून में भी, ठीक है सर मार्च में 10,000 का खर्चा दिखा देंगे और जून में 10,000 का खर्चा दिखा देंगे। 3 महीने में करेंगे? नहीं 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 सीधा बोला है बैलेंस आफ्टर 3 मंथ। अच्छा तो 18,000 को 3 महीना में नहीं करना, 18,000 सीधा 3 महीना में, मतलब जिससे मशीन लाते उससे बात करके लाए थे आप 2,000 दे देंगे बाकी 18,000 3 महीना बाकी। जून में 10,000 का एक्सपेंस दिखा देना, जून में 10,000 का एक्सपेंस दिखा देना। पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर 2 मंथ एंड टू कस्टमर 1 मंथ। सर ये तो बहुत आसान कर दिया पूरा का पूरा, क्योंकि देखो एक बात क्वेश्चन में रीड करना, पूरा का पूरा सेल ही उधार का है, मतलब से कैश सेल कुछ नहीं है और पूरा का पूरा परचेज ही क्रेडिट का है, मतलब कैश परचेज कुछ नहीं है, तब तो सर बहुत आसान समझे। बोला सप्लायर आपको 2 महीना का उधार देता है, मतलब हम परचेज का पेमेंट 2 महीना बाद करते हैं। अप्रैल का पेमेंट कब करेंगे? जून में। जून का पेमेंट कब करेंगे? अगस्त में। अगस्त का पेमेंट कब करेंगे? अक्टूबर में। ऐसे 2 महीना बाद पेमेंट करेंगे। और कस्टमर हमको एक, हम कस्टमर को 1 महीना का उधार देते हैं, मतलब अप्रैल का मई में, मई का जून में, जून का जुलाई में, जुलाई का अगस्त। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हाफ अ मंथ का लैग है, जबकि बाकी सब एक्सपेंस 1 महीने का उधार है। सही ठीक है। और आपको मेरे को बोला है, देखो यहाँ पे बोला नहीं है कौन सा 3 मंथ का बजट बनाना, बट आपको ओपनिंग कैश 1 मई का दिए, मतलब सर मई जून जुलाई का बजट बनाना। बेटा जी जिस महीने का ओपनिंग कैश दिया रहेगा वहीं से सम चालू कर पाओगे ना आप तो? यस सर। उसके पहले से तो आप सम चालू ही नहीं कर पाओगे, तो ये भी एक गेसिंग का तरीका। पिछले सम में आपको बोल दिया था अप्रैल मई जून का बजट बनाने, तो इस सम में आपको बोला नहीं है रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश बजट फॉर 3 मंथ स्टार्टिंग। अच्छा ये बोल भी दिया स्टार्टिंग में, नहीं भी बोलता यहाँ देखते हैं कि 1 मई का ओपनिंग कैश दिया, मतलब 1 मई से बजट बनाना चालू होगा, तो 3 महीने का बनाना है, मतलब मई जून जुलाई, ये देखो मई जून जुलाई का बजट बना। सेल आपको 1 महीने का पैसा मिलता है, तो ये देखो आपको मई जून जुलाई का बजट बनाना है, तो मई में आपको कौन सा पैसा मिलेगा? अप्रैल का। जून में आपको कौन सा पैसा मिलेगा? मई का। और जुलाई में आपको कौन सा पैसा मिलेगा? जून का। तो मई में आपको मिलेगा, मई में आपको मिलेगा 74,000 अप्रैल वाला, जून में आपको मिलेगा 76,000 मई वाला, और जुलाई में आपको, जुलाई में आपको मिलेगा 68,000 जून वाला। 74, 76, 68 परचेज 2 महीने का उधारी पे है, तो मई में कौन सा पेमेंट करना होगा? सर मई में आपको मार्च वाला पेमेंट करना होगा, यानी 48। फिर जून में आपको अप्रैल वाला पेमेंट करना होगा 50,000, और जुलाई में आपको मई वाला पेमेंट करना होगा 44,000। तो 48, 50 और 44, ये देखो 48, 50 और 44। वेजेस बोला हाफ अ मंथ का लैग है, वेजेस हाफ अ मंथ का लैग है, मतलब मई में कौन सा देंगे? एक तो खुद का 7,000 और अप्रैल का 5,000। जून में कौन सा देंगे? खुद का 4,500 और मई का 7,000। और जुलाई में कौन सा देंगे? अपना 5,500 और पिछला का 4,500, यानी 7, 5, 12, 12, 11,500 और 10,000। गलती मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस का हाफ मंथ का है, हम वेजेस, वेजेस बाकी सारा एक्सपेंस तो बोला 1 मंथ। 1 मंथ
हाँ तो तब तो ठीक ही है, मतलब सर आप गलती कर गए। आपको मई से बजट बनाना है तो मई में आप कौन सा बजट पेमेंट करोगे, अप्रैल वाला, एक महीना पीछे वाला ना, तो आपको 10, 14 और 9 पेमेंट करना। 10, 14 और 9 वो जो काम हम किया वो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में करना, बाकी सब में तो वन मंथ का ही लैग बोला है, तो ऑफिस भी प्रीवियस मंथ का, सेलिंग भी प्रीवियस मंथ का। अब आपको क्या बोला, एडवांस टैक्स आप साल में दो बार देते हो, एक बार देते हो मार्च में, एक बार जून में। मार्च का तो बजट बनाना ही नहीं है अपने को, अपने को तो मई जून जुलाई का बजट बनाना है। मेरा जून वाला मैम लिख दिया 10,000 का। फिर आपको बोला आप जो मशीन खरीदे जून में उसका 10% दिए, बाकी अक्टूबर में, तो अपने को तो अब 3 महीने बाद का मतलब ही नहीं है, अपने को खाली मई जून जुलाई का बजट बनाना है। 2,000 आप दे दिए, ठीक है। तो बस अब आप इनकम जो है ओपनिंग कैश, यहाँ लोग नीचे लिख दिया, आपको ओपनिंग कैश ऊपर ही लिखना चाहिए। ओपनिंग कैश कितना है मेरा, मई महीने का दिया हुआ था 10,000, तो यहाँ 10,000 लिखता, तो मेरे पास 10,000 है प्लस 74,000 सेल करके बस आया, तो मेरा कैश कितना हो रहा है 84,000, और मेरा खर्चा कितना लग रहा है 72,000। तो सर खर्चा कितना लग रहा है एक बार देखो तो 48 और 10 58 और 6 64 और 2 66 और 6 72। हाँ ठीक है, तो 84 में से 7, अरे ये पागल लोग है, ठीक है समझ गए। आप अपने नॉर्मल लैंग्वेज में दे, 84 में से 72 के आपके पास कितना बचना चाहिए, 12 ना, यस सर 12, देखो 12 ही तो बच रहा है। अरे ये लोग क्या किया ना, पहले खाली इनकम में सेल में से खर्चा माइनस किया है, फिर उसमें ओपनिंग कैश ऐड, अपने पहले ओपनिंग कैश ऐड करें। हाँ हाँ तो ठीक है, वैसे तो 12 बचा, फिर वैसे ही अगले महीने, वैसे ही अगले महीने, देखो ये मैंने नेगेटिव 250 बचा, तो कोई बात नहीं सर, सम्स नेगेटिव 250 से चालू है, कोई फर्क नहीं है, उस लॉजिक नहीं बदलेगा। ये है बेटा जी कैश बजट, ठीक है ना। यस सर, हम आपको वो लैंग्वेज टेस्टर वाला ढूंढ रहा था, अगर वैसा कुछ मिल जाता ना तो वो दिखा देते, खाली लैंग्वेज में क्या ट्विस्ट देते हैं। ये देखो नहीं, यहाँ पर भी वैसा ही दिया, ऑन एन एवरेज 1/2 ऑफ सेल इज पेड ऑन द ड्यू डेट, 1/2 मतलब 1/2, हाँ 1/2, और बाकी हाफ नेक्स्ट मंथ, आधा उसी महीना दे देते, आधा अगले महीने, हर महीने में दो टाइप का। और क्रेडिटर को बोला पेमेंट बाय एट द एंड ऑफ द मंथ फॉलोइंग मंथ द सप्लाई, मतलब क्या बोलना चाहते हैं, पेमेंट बाय द एंड ऑफ द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ द सप्लाई, जिस महीना बेचे उसके अगले महीने, ये नॉर्मल है। देखो यहाँ पे वेजेस में गंदगी की है, वेजेस आर पेड 3/4 ऑन ड्यू डेट while 1/4 on the next month. हाँ ठीक है, निकालने का बदमाशी की है बेटा, 3/4 मतलब 75%, 1/4 मतलब 25%, ठीक है। यस सर, इस समय ये कॉन्स्टेंट यही है, कुछ नहीं, यहाँ भी झमेला नहीं दिया है। कंपनीज पॉलिसी टू पे क्रेडिटर फॉर मटेरियल 3 months आफ्टर रिसीप्ट एंड डेटर्स आर एक्सपेक्टेड टू 2 months आफ्टर डिलीवरी, ये भी कोई झमेला नहीं, ठीक है। कैश बजट यही है, कैश बजट में कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, नो सर। आप बाकी सब बनाओ, हम आपको ये पेपर भी शेयर करेगा, कोई डाउट होगा तो बोलो। अभी अपने आते हैं फ्लेक्सिबल बजट, फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है बेटा, अपने को ना कुछ खर्चा ऐसा देगा जिसमें कुछ उसका पार्ट फिक्स है, कुछ पार्ट वेरिएबल है, कुछ खर्चा ऐसा देगा जिसका कुछ पार्ट फिक्स है, कुछ पार्ट वेरिएबल है, कुछ खर्चा ऐसा देगा
जिसका पूरा ही पार्ट वेरिएबल है और कुछ खर्चा ऐसा देगा जो पूरा ही फिक्स है। अब अगर हम आपको बोले मेरा कुछ खर्चा बेटा ऐसा है जो फिक्स्ड है, तो फिर हम 80,000 यूनिट बनाएं या 1,00,000 यूनिट बनाएं या 1,20,000 यूनिट बनाएं, वो खर्चा तो बदलेगा नहीं। यस सर। वैसे ही अगर हम आपको बोले कुछ पार्ट वेरिएबल है, मतलब एक पिक बनाओ तो 2 रुपया लगता है, अब अगर तुम 80,000 बनाओगे तो 1,60,000 लगेगा, 1,00,000 बनाओगे तो 2,00,000 रुपया लगेगा, और अगर 1,20,000 बनाओगे तो 2,40,000 लगेगा, क्योंकि एक पिक का दाम 2 रुपया वो वेरिएबल है, वो कम्प्लीट हो गया। कि दुनिया में 3 तरीके का खर्चा हो सकता है, कुछ जो नंबर ऑफ यूनिट के साथ चेंज नहीं हो, कुछ जो नंबर ऑफ यूनिट के साथ एग्जैक्टली उतने रेशियो में चेंज हो, और कुछ जिनका कुछ पार्ट फिक्स और कुछ पार्ट वेरिएबल हो, उनको अपने को बंटवारा करना आना चाहिए। जैसे देखो आपको यहाँ पे दिया एक सम, यहाँ तो सारे वेरिएबल देखो, ये यहाँ पे अपने को एक सम दिया है, अपने को बोला कुछ फिक्स एक्सपेंसेस है, वेजेस एंड सैलरी मेरा 9.5 लाख लगेगा, रेंट एंड टैक्सेस मेरा 6.6 लाख लगेगा, इसके अलावा बोला डेप्रिसिएशन मेरा 7.4 लाख लगेगा और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 6.5 लाख लगेगा, मतलब इनमें कोई चेंजेस नहीं होगा। चाहे हम कितना यूनिट प्रोड्यूस करें। यस। अब मेरे को बोला कुछ एक्सपेंसेस या नीचे पहले पढ़ते हैं वेरिएबल है, मटेरियल मेरा 21,70,000 है, लेबर मेरा 20,40,000 है और अदर एक्सपेंसेस मेरा 7.9 लाख है। एट 50% कैपेसिटी हमको ये बताया, जब हम 50% कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, मेरा मटेरियल लग रहा है 21,70,000, मेरा लेबर लग रहा है 20,40,000 और मेरा अदर एक्सपेंसेस लग रहा है 7,90,000। अगर हम आपसे पूछता हम 80% कैपेसिटी पे काम करता तो क्या होता बेटा? बहुत सिंपल, मटेरियल अगर 21,70,000 है 50% कैपेसिटी में, तो 80 में कितना होगा? डिवाइड बाय 15 कर लो। सेम चीज आपको लेबर के साथ करना होगा, 20,40,000 अगर मेरा 50% कैपेसिटी पे है तो 80 में कितना होगा, और अदर एक्सपेंसेस जो मेरा 7,90,000 है वो मेरा 50% कैपेसिटी में है तो 80 में कितना होगा? क्योंकि अगर 50 में इतना लगाया तो 80 में उसी रेशियो में ये बढ़ेगा ना। यस सर। तो वेरिएबल तो वेरिएबल है, लेकिन प्रॉब्लम इनके साथ है सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल क्या होता है सर? एक ऐसा खर्चा जिसका कुछ पार्ट फिक्स है कुछ पार्ट वेरिएबल। सर इसमें बताया नहीं है कितना फिक्स है कितना वेरिएबल, तो हाफ ऑफ मान लेंगे। हाँ, इसका सॉल्यूशन आपको हम, अब आपको बोला है बजट बना के बताओ 45% कैपेसिटी पे, 65% कैपेसिटी पे और इंक्रीजिंग, एक बार बनाओ 45 और 65 पे बजट, और अगर आपको एक और क्वेश्चन दिया यहाँ पे कि 65 to 80 में अगर 10-10% करके बढ़ता तो बनाओ, ये नहीं बोलेगा आपको, इतना बड़ा सम्स आपके एग्जाम में पॉसिबल नहीं है, आपको खाली बोला 45 और 65% कैपेसिटी का बजट बना दिए। तो ये आपको जो डेटा दिया ये कौन सा परसेंट कैपेसिटी पे है? 50% कैपेसिटी। तो फिक्स तो सारे फिक्स रहेंगे, चाहे 65 हो चाहे 45 हो, फिक्स तो चेंज होगा नहीं। वेरिएबल में क्या करोगे, जब 65 सॉल्व करोगे तो 21,70,50 × 65 और जब 85 सॉल्व करोगे तो 85 कर लें। सेमी वेरिएबल में क्या करें सर? सर इनका आधा खर्चा को फिक्स और आधा खर्चा को वेरिएबल मानेंगे। जो फिक्स है मान लो 3.5 लाख का आधा कितना होता है? 1,75,000 वो फिक्स है, और बाकी 1,75,000 को आप क्या करोगे? डिवाइडेड बाय 50 × 65 या 85। मतलब आपको फिक्स को फिक्स ही रखना है,
वेरिएबल को एग्जैक्टली कन्वर्ट कर देना है, बट सेमी वेरिएबल में जितना पार्ट फिक्स जितना पार्ट वेरिएबल को सेपरेट करना है और फिर उसको पिकअप करना है। और फिर ऐड कर देना। अब आपके बहुत यहाँ तो बेटा परसेंटेज में कहानी था तब ये करना पड़ा आधा आधा मान के, लेकिन यहाँ पे आपके बहुत मजेदार हमें चीज कराते हैं। मेरे साथ एक सम सॉल्व करना। यस हम एक सम अपने मन से बना रहे, देखना मेरा कंपनी में डायरेक्ट मटेरियल जो है ना वो मेरा 4 रुपया पर यूनिट 40,000 रुपया लगा जब हम 2,000 यूनिट बनाए, और जब हम 3,000 यूनिट बनाया तो वो मेरा 60,000 डॉलर। डायरेक्ट लेबर ना जब हम 2,000 यूनिट बनाया तब मेरा डायरेक्ट लेबर लगा 10,000, और जब हम 3,000 यूनिट बनाया मेरा डायरेक्ट लेबर लगा 15,000। मेरा एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस एंड सेलिंग एक्सपेंस जो है वो मेरा 50,000 लगा जब हम 2,000 बनाया, और 50,000 ही लगा जब हम 3,000 बनाए, और सेलिंग एक्सपेंसेस जो है वो 30,000 लगा जब हम 2,000 बनाया, और 30,000 ही लगा जब हम 3,000 बनाए। हाँ, लेकिन इसके अलावा मेरा एक मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस था, यानी आप फैक्ट्री ओवरहेड बोल सकते हो जिसको, वो देखना जरा। जब हम 2,000 बनाया तब मेरा लगा 12,000, जब हम 3,000 बनाया तब मेरा लगा वो 16,000। ये एक सम है, ठीक है। आपको बोला है प्रिपेयर अ फ्लेक्सिबल बजट फॉर 5,000 यूनिट। बेटा जी ये दोनों पहला दोनों खर्चा देख के मन में क्या आ रहा है, ये फिक्स है कि वेरिएबल है कि सेमी वेरिएबल? वेरिएबल, एग्जैक्ट वेरिएबल है। सर कैसे पता चला? सर 40,000 को 2,000 से डिवाइड करके देखिए, आपका 20 रुपए रेट आएगा। यस सर। 60,000 को भी 3,000 से डिवाइड करके देखिए, आपका 20 रुपए रेट आएगा। अगर 20,000 तो फिक्स लग रहा है। नहीं बेटा, पर यूनिट जब सेम रहे उसी को बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल एक्सपेंसेस उस एक्सपेंस को बोलते हैं जो पर यूनिट सेम रहे लेकिन टोटल में चेंज सेम रहे। हाँ देखो, पर यूनिट 20 रुपये आ रहा है, 40,000 को 2,000 से डिवाइड कर 20 ही आ रहा है, 60,000 को 3,000 से डिवाइड कर 20 ही आ रहा है, तो पर यूनिट वो कभी नहीं बदलेगा, उसी को बोलते हैं लेकिन टोटल में ठीक बदल जाएगा उसी को बोलते हैं। जो टोटल में चेंज हो लेकिन पर यूनिट सेम रहे। देखो अगला आइटम को भी, 10,000 को अगर 2,000 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 5 रुपया आएगा। वैसे 15,000 को भी 3,000 से डिवाइड करोगे 5 ही आएगा। मतलब ये भी सर प्रॉपर वेरिएबल, पर यूनिट सेम आए और टोटल में बदल जाए वही होता है वेरिएबल खर्चा। और बेटा फैक्ट्री में मटेरियल और लेबर हमेशा वेरिएबल होता है कि नहीं होता? यस सर, यस सर। इसीलिए हम नाम भी वैसा ही रखा था कि आपको लास्ट में कनेक्ट कर सकते। बट मेरा ये दो लाइन अपने ब्रेन में एकदम सेट कर लेना। नाम में बड़ा अटपटा लगता है, लगने दो अटपटा, बट ये दो बात अगर भूलते हो तो कॉस्टिंग जैसे सब्जेक्ट में कभी भी कोई बड़ा पढ़ाई करोगे तो रोना आ जाए, क्योंकि पर यूनिट सेम रहे लेकिन टोटल में बदले उसी को बोलते हैं वेरिएबल, और उल्टा जो कि टोटल में सेम रहे लेकिन पर यूनिट में बदल जाए उसी को बोलते हैं वेरिएबल। ये तो अगले दोनों ही आइटम में साबित करो। टोटल में क्या है दोनों जगह? एडमिन एक्सपेंसेस में, लेकिन आप 50,000 को 2,000 से डिवाइड करो और 50,000 को 3,000 से डिवाइड करो, आपका फिगर अलग आएगा पर यूनिट। यस सर। वैसे सेलिंग एक्सपेंसेस टोटल में कितना है? सेम 30,000 बदल नहीं रहा है, लेकिन 30,000 को 2,000 से डिवाइड करो तो 15 रुपए रेट आएगा, और 30,000 को 3,000 से डिवाइड करो 10 रुपए रेट आएगा। तो बेटा फिक्स उसी को बोलते हैं जो टोटल में सेम रहे लेकिन पर यूनिट बदल जाए। नाम में उल्टा लगता है ना जजमेंटल, लेकिन यही कहानी है। अब आएगा मेरा ये सर, ये इतना आप नौटंकी क्यों कर रहे? अब अगले आइटम की इसको गेस करो जरा। सर 12,000 को 2,000 से डिवाइड करोगे क्या आएगा? 6 रुपये। और एक बार 16,000 को 3,000 से डिवाइड करो, पॉइंट में आएगा लेकिन आने तो
यस सर 5.33 कितना आ रहा है 5.33 सर ना तो ये टोटल में सेम है तो सर ये टोटल में तो सेम नजर नहीं आ रहा 2000 का बना रहे तो कितना खर्चा लग रहा है 12000 और 3000 बना रहे तो 16000 लग रहा है तो सर ये टोटल में तो सेम नहीं है नहीं है यानी ये फिक्स तो नहीं सर ये तो वेरिएबल भी नहीं है क्योंकि जब 12000 को 2000 से डिवाइड करे तो 6 रुपया रेट आ रहा है और जब 16000 को 3000 से डिवाइड करे तो 5.33 रेट आ रहा है तो सर ये तो वेरिएबल भी नहीं है क्योंकि आप बोले थे इतना देर से चिल्ला चिल्ला के कि वेरिएबल में पर यूनिट सेम आ जाता भैया वो नहीं आ रहा बेटा जी यही बोलते सेम ही नहीं जो न वेरिएबल है ना फिक्स है प्रॉपर सेम ही ठीक है यस सर आप ये कांड किए क्यों अब बताते हैं क्यों बनाओ 5000 के लिए बजट और आप फंस जाओगे सेमी वेरिएबल का फिगर निकालने में और हम ऐसा तिकड़म बताएंगे जो जिंदगी भर याद रखो तो बड़ा मजा आएगा चलो 5000 के लिए मटेरियल कितना लगेगा सर एक यूनिट का मटेरियल का दाम कितना निकाले थे आप 20 रुपया तो 5000 के लिए कितना लग जाएगा 1 लाख बेटा आप एक रॉ मटेरियल का दाम कितना निकाले थे 20 रुपया निकाले थे ना यस 40000 डिवाइड बाई 2000 करके या फिर 60000 डिवाइड बाई 3000 करके 20 रुपया रेट निकाले थे यानी 20 रुपये एक का लगता है तो अगर 5000 पीस बेचे तो कितना लगेगा वैसे ही लेबर के लिए आप एक का रेट कितना निकाले थे 5 रुपया तो सर 50000 इंटू 5 कर लीजिए कितना लगेगा 25000 लेबर लग गया सर आपका एडमिन एंड सेलिंग बार बार 50 और 30 ही लगेगा क्योंकि वो फिक्स है सर वो बदल नहीं सकता लेकिन सर जी अब आप निकालिए मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस क्या कीजिएगा सर वो 2000 यूनिट के लिए मेरा 12000 रुपया लग रहा था और 3000 यूनिट के लिए मेरा 16000 रुपया लग रहा है ना मेरे को एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और हम वेरिएबल का रेट निकाल देंगे और एक बार वेरिएबल का रेट निकल गया तो फिर फिक्स अमाउंट निकालना एक मिनट का सर अब करेंगे क्या सर हम टोटल चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय चेंज इन यूनिट का फॉर्मूला लगाएंगे किसका फॉर्मूला था बोलो बोलो इकोनॉमिक्स पढ़े हो सर मार्जिनल वेरी गुड ये मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है किसी भी मार्जिनल का फॉर्मूला दुनिया में इकोनॉमिक्स जब हम पढ़ाए है हम हर बार एक लाइन बोला है मार्जिनल का फॉर्मूला यही होता है चेंज इन टोटल बाय चेंज इन यूनिट हर मार्जिनल का फॉर्मूला चाहे वो मार्जिनल रेवेन्यू हो वो मार्जिनल कॉस्ट हो वो मार्जिनल यूटिलिटी हो वो मार्जिनल प्रोडक्ट हो चाहे जो भी मार्जिनल हो आपका एक ही फॉर्मूला बनता है चेंज इन टीसी बाई चेंज इन यूनिट तो बेटा टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आ रहा है यहाँ पे 4000 टोटल यूनिट में कितना चेंज आ रहा है 1000 तो 4000 बाई 1000 4 रुपया रेट आ गया ये आ गया वेरिएबल कॉस्ट का रेट अब बस इस 4 को अगर 2000 से मल्टीप्लाई करते हो तो 8000 रुपया तुम्हारा क्या हुआ है वेरिएबल खर्चा टोटल खर्चा कितना है टोटल खर्चा कितना है 12000 यानी 4000 फिक्स है वैसे 3000 में भी अप्लाई करके देखो सेम आंसर आएगा 3000 इंटू 4 करोगे क्या आएगा 12000 तो 16 में से 12 गया देख लो 4000 फिक्स सर यही तो फिक्स का मतलब होता है जो कभी बचेगा ठीक है तो सर रेट मिल गया आप 5000 के लिए अप्लाई कर लो सर आपका रेट क्या निकला 4 रुपया तो 5000 इंटू 4 करोगे तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस लगा 20000 और सर बाकी 4000 तो आपका फिक्स ही है 24000 आया मजा अब खर्चा टोटल ऐड कर लो आ गया तो आपको यही तो बोला था कि 3000 और 2000 का आपको डिटेल दिया हुआ है 5000 का डिटेल बना के तो सर फिक्स को फिक्स रखे वेरिएबल का रेट निकाल के 5000 से मल्टीप्लाई कर दिए और सेमी वेरिएबल में पहले रेट निकाले उसको इनमें से किसी एक के साथ सॉल्व करके देखो हम आपको दो में करके दिखाया है
क्योंकि आपको उनको प्रूफ करके दिखाना था कि 4,000 हर राजनीतिक से आएगा, लेकिन आपका एग्जाम में किसी को प्रूफ नहीं करना। आप 4 रुपया रेट निकाले इंटू 2,000 की, आपका 8,000 आ गया, बाकी बचा हुआ 4,000 आपका फिक्स है। तो बस आपका यानी पता चल गया 4 रुपया रेट है, तो 4 × 5,000 किए तो 20,000 आ गया वेरिएबल खर्चा, और फिक्स तो आपको पता ही है 4,000 हो गया आपका खाली। यही है फ्लेक्सीबल बजट, ठीक है? यस सर। ये आपको आपको एग्जाम में देगा आपको सर। ऐसा भी एक समझे है, ये बहुत आसान है फ्लेक्सिबल बजट बनाने के लिए। देखो एक चीज और दिखा देते हैं, मेरे को बोल रहा है मटेरियल 60 रुपया पर यूनिट, आखिरी समझाज के लिए मटेरियल मेरे को बोला है 60 रुपया पर यूनिट है, लेबर बोला है 30 रुपया पर यूनिट है, वेरिएबल ओवरहेड बोला 25 रुपये पर यूनिट है। सर ये तीनों तो वेरिएबल ही है। फिक्स ओवरहेड में बोला है 1,50,000 रुपया लगा है, तो नाम ही तो दे दिया बेटा फिक्स ओवरहेड, ये तो फिक्स ही रहेगा। ये आपको 10,000 का बजट दिया है, ये आपको 10,000 का बना के दिया है। वेरिएबल बोला है डायरेक्ट एक्सपेंस है पूरा, मतलब ये पूरा का पूरा वेरिएबल है। सेलिंग एक्सपेंस में क्या बोल गया देखो 10% फिक्स। हाँ तो बेटा जी सेलिंग एक्सपेंस कितना है अपना 15 रुपया। यस सर। तो 15 का 10% नहीं, 1,50 रुपया फिक्स है, बाकी वेरिएबल है ना। 13.5 रुपया आपका वेरिएबल है, 1,50 रुपया फिक्स है। तो 1,50 × 10,000 कितना होता है 15,000। यस सर। है ना, 10,000 के लिए बजट बना रहे हो तो 1,50,000 15,000 होगा, यानी हर हाल में 15,000 मेरा फिक्स होगा और वेरिएबल का रेट तो मिल ही गया। तो अब आपको बोला कि 6,000 के लिए बजट बना के दिखाओ, 7,000 के लिए बजट बना के दिखाओ, 8,000 के लिए बजट बना के दिखाओ, तो सर दिक्कत क्या, बना देंगे। 13.5 × 6, 13.5 × 7, 13.5 × 8 सेलिंग एक्सपेंस का वेरिएबल आ जाएगा और फिक्स तो आप निकाल ही लियो 15,000। यस। एडमिन एक्सपेंसेस में क्या बोला 50,000 रिजिड फॉर ऑल लेवल ऑफ प्रोडक्शन, मतलब बोलना क्या था सब पूरा का 50,000 फिक्स्ड। हां बोलता है रिजिड है चाहे कितनी लेवल ऑफ प्रोडक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस क्या बोला 20% फिक्स है, तो सर 5 रुपया मेरा डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है, 5 रुपया का 20% 1 रुपया, 1 रुपया फिक्स है, 4 रुपया वेरिएबल है। yes, तो बेटा जी 1 × 10,000 तो मेरा हर आदमी फिक्स ही रहेगा, और अब जो 4 रुपया बचा वो 4 × 6,000 कर ले, 4 × 7,000 कर ले, 4 × 8,000 कर ले, मेरा डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएबल एक्सपेंस आ जाएगा। यस सर। तो ये कितना कंफ्यूजिंग हो सकता था एडमिनिस्ट्रेशन वाला, वहाँ पर यूनिट का भी 5 दिया और फिर ब्रैकेट में 50,000। हाँ निकलेगा जो भी निकलेगा वो ठीक है, लेकिन आपको मेरा तरीका फॉलो रखना है ना, आपको जिंदगी आसान रहे। पहले फिक्स को अलग कर ले, उस फिक्स को जो जिसके लिए बजट दिया उससे मल्टीप्लाई कर ले, और जो वेरिएबल का रेट है मेरे को जिसके लिए बजट बनाना उससे मल्टीप्लाई कर दिया। यस सर। ये आपका है फ्लेक्सिबल बजट और कैलकुलेटर, जो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा।